मैं राजू। मैं गुड्डी कनन। क्या तुम हमें यहाँ घुमा सकते हो? हाँ, जरूर घुमा सकता हूँ। हाँ। सारे कुट्टी कुट्टी बच्चों को हमारे एनुअल प्रतियोगिता में स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी जीतने वाले को मिलेगा ओनम संध्या। ये है 30 व्यंजनों वाला भोजन। यस, हम इसे जरूर जीतेंगे कुट्टी कनन। पहली प्रतियोगिता है रंगोली। सब अपनी जगह ढूंढ लो और रंगोली शुरू करो। 1, 2, 3, go। के साथ 5 ग्रुप चुने गए हैं अगले राउंड के लिए। टाइम फॉर द बोट रेस। हर टीम को मिलेगी एक बोट। तो 1, 2 एंड 3। ये 3 फाइनलिस्ट भाग लेंगे डांस कंपटीशन में। चलो इसे पहन लेते हैं। मेरे मना करने के बाद भी राजू कहीं चला गया। यहाँ देखते हैं। राजू यहीं कहीं होगा। कितना प्यारा था ये। हमारे पास और भी है। हमारे अगले प्रतियोगी सबके सामने पेश करेंगे केरला का मशहूर लोक नृत्य राजू और कुट्टी कन्नड़ का। राजू, इसीलिए हम उसे ढूंढ नहीं पाए। वो यहाँ नाचने वाला है। देवियों और सज्जनों, पेश है रॉयल फाइटर डांस और स्टाइलिश हिप हॉप डांस का फ्यूजन। सबने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन राजू और खन्नन के प्रदर्शन ने सबको बहुत हंसाया और इसीलिए वो इस प्रतियोगिता के विजेता है। और ये रहा तुम्हारा कूपन 30 व्यंजनों वाले भोजन का 2 लोगों के लिए। मुबारक हो। राजू कहाँ है? विजेताओं का भोजन यहाँ परोस रहे हैं। वहाँ देखो। ओ राजू, तुमने बहुत अच्छा किया। कुट्टी कनन, तुमने भी बहुत अच्छा डांस किया। थैंक्स मॉम। मेरी कमर गई। तुम बच्चों ने किया ये। मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तो छोड़ दो मुझे। कमर टूट गई।
सोचता कि तुम नॉटी बच्चों, पर तुम तो आज मुझे बचाता। थैंक यू किड्स, तुम सब मेरे घर चलता और तमिल न्यू ईयर को सेलिब्रेट करता और मूर्ति तुमको स्वीट्स देता। पयासम, ये मांगा चटनी, ये वड़ाई, ये पोले और ये सांबर और अप्पलम, सब खाता कुछ नहीं छोड़ता। आज तो तुम लोग कितना अच्छा बिहेव करता। इतने यमी खाने के लिए थैंक यू अंकल। बाय बाय अंकल। बाय बाय बाय, तुम लोग हमेशा आ सकता। ओके पहली क्लास। सर, हमें हीरो की एक्टिंग सिखाएंगे? नहीं, पॉपकॉर्न की। एक्टिंग के लिए जरूरी है कल्पना करना और फिर वो कल्पना खुद बन जाना। तो कल्पना करो कि तुम एक पॉपकॉर्न हो। पहले एक छोटा सा सिकुड़ा हो दाना, ऐसे ही ऐसे ही, और फिर जब तब कर वो दाना फूट कर फैल जाता है। ओ, फूट। तुम्हारे पास तो पोस्टमैन से भी ज्यादा चिट्ठियाँ हैं। कल हॉबी क्लास की लास्ट क्लास में प्रोजेक्ट जो दिखाना है। पर इतनी चिट्ठियाँ, इतने स्टैम्प्स तुमने कैसे जमा किए गोपी? पूरी कॉलोनी में घर घर जाकर घंटी बजाई। ये देखो, इस लिफाफे पर मंगोलिया का स्टैम्प, ओ, ओ, और ये 1935 का जर्मनी का। सबसे बेस्ट हॉबी प्रोजेक्ट। यस सर।
मेरा कलेक्शन इतना अच्छा नहीं हो पाता अगर मेरे दोस्त मेरी मदद नहीं करते। थैंक यू राजू, थैंक यू जूनी। ओह नो, आज फिर से लेट हो गया। राजू, तैयार हुए या नहीं? बस हो गया मॉम। तो जल्दी नीचे आओ बेटा, नाश्ता लग गया है। उठो मोबी, जल्दी बताओ मेरा बैग कहाँ है। थैंक्स मोबी, बाय। राजू, पूरा दूध खत्म करो। पर मॉम, बस छूट जाएगी। तो पैदल स्कूल जाना, पर दूध खत्म किए बिना नहीं। हाथ के आलू के पराठों की बात ही कुछ और है। राजू, जूनी, तुम दोनों भी टेस्ट करो। ये क्या गिरा? अरे कोई बात नहीं, कहते हैं ये गुड लक लाता है। अच्छा हुआ ये मेरे टिफिन में नहीं गिर। सारे पराठे खा गए। हाँ? इतनी जल्दी मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन गोपी, मैंने तो पराठे चखे तक नहीं। मैंने भी नहीं। कहीं तुमने पराठे गिराए तो नहीं? नहीं, मुझे अच्छे से याद है, पराठे टिफिन में ही थे। टिफिन में पराठे? कहीं उसने मेरे पराठे तो नहीं ले लिए? चार्ली, क्या तुमने गोपी के टिफिन से पराठे लिए? क्या बकवास कर रहे हो, ये पराठे मेरी मम्मी ने बड़े प्यार से बनाए हैं। प्यार से बनाए हैं? पर ये तो मेथी के बने हैं ना। पर अगर चाली ने पराठे नहीं लिए तो आखिर पराठे गए कहाँ? टिफिन चोर! किसने गुदगुदी की? मेरा कान किसने खींचा? किसी ने मेरे सॉक्स को भी नीचे कर दिया। यहाँ कोई तो है जो छुपकर ये शरारत कर रहा है। मुझे धक्का किसने मारा? मेरी टाई किसने खींची? मेरे बाल! अरे ये क्या हो रहा है? तो ये सब इस बंदर की करामत है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। रुको चाली, वो बंदर नहीं, बंदर का बच्चा है। और कितना क्यूट है। रिसेस खत्म हो गई, हमें क्लास में वापस जाना चाहिए। ये लो नन्हे दोस्त, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये एप्पल। मुझे अब क्लास में जाना होगा। ये राजू है।
हमें टाइम का पता ही नहीं चला। हाँ, लेकिन काश टाइम स्टॉप हो जाता और हम और बहुत सारा खेल सकते। जूली, गोपी, वो बंदर तो यहाँ है। सुनो, जल्दी से सीढ़ियों के रास्ते भाग जाओ, इससे पहले कि ये लोग तुम्हें पकड़कर प्रिंसिपल के पास ले जाए। तो ये बंदर यहाँ छुप कर बैठा है, पकड़ो इसे। मुझे बेबी मंकी को बचाना ही होगा। माइटी राजू बनने का टाइम आ गया। नगर में अब रौनक आ गई है। हर मुश्किल का हल निकाल देते हैं अनोखे कैप्टन तोड़ मोड़। लगता है और नगर को अपना नया सुपर हीरो मिल गया है। पता है, कैप्टन तोड़ मोड़ ने मुझे उस दिन भूकंप में बचाया था। कोई भी मुश्किल हो वो तो माइटी राजू से भी पहले पहुंच जाते हैं। हाँ जूली, वो मौका ही नहीं देता कि माइटी राजू को खबर भी हो, उसके पहले ही पहुँच जाता है। देखो देखो, कैप्टन तोड़ मोड़ के खिलौने। रोबी, इस कैप्टन तोड़ मोड़ ने तो कमाल कर दिया। लगता है अब मैं छुट्टी ले सकता हूँ। इस मुफ्त मेरा मतलब है कि रोबोट गोरिल्ला से आर्य नगर की गलियों में भूटान मेरा मतलब तूफान खड़ा कर दूंगा और फिर मैं खुद आकर सबको बचा लूंगा। सुपरहीरो की जरूरत नहीं। हेलो प्रोफेसर स्वामी। ओ हेलो डॉक्टर नाथ।
आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। ये मेरा बेटा राजू है। ओ अच्छा। तरुण कहाँ हो? टिक्कू बेटा। कल तुम बहुत बदमाश हो गए हो। चलो अब सबको हेलो बोलो। दद्दू, दद्दू, डॉक्टर स्वामी लगता है आपके और मेरे बेटे की खूब जमेगी। शर्ट टिशू नहीं है, ये लो तुम्हारे लिए टिशू। राजू आई एम सो सॉरी। टिक्कू ये बिल्कुल गलत बात है, चलो अब जल्दी से सॉरी बोलो। सॉरी। हेलो, मैं अभी वहाँ आता हूँ। डॉक्टर स्वामी मेरी लैब में कुछ गड़बड़ी हो गई है, मुझे अभी वहाँ जाना ही होगा। टिक्कू, 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 टिक्कू। मेरा मतलब है, डैड, अब हम क्या करेंगे? चिंता मत करो राजू, थोड़े वक्त के लिए ध्यान रखना है। टिक्कू का ध्यान रखने में इतनी भी क्या तकलीफ हो सकती है? टिक्कू, अब हम एक गेम खेलने वाले हैं। स्टैचू स्टैचू। इस गेम में जब तक तुम चुपचाप इस चेयर पर बैठे रहोगे तब तक तुम चॉकलेट खा सकते हो। अगर तुम थोड़ा भी हिले या इस चेयर के नीचे उतरे तो तुम्हें चॉकलेट नहीं मिलेगी, समझे? पकड़ लिया। ये टिक्कू कहाँ चला गया? इस बच्चे ने तो परेशान करके रख दिया है। स्टूडेंट्स अपनी पसंद से कोई एक हॉबी चुन सकते हैं। टर्म खत्म होने पर सबके हॉबी प्रोजेक्ट पूरी क्लास और प्रिंसिपल सर के सामने दिखाए जाएंगे और एक बेस्ट प्रोजेक्ट का प्राइज भी दिया जाएगा। आहा, ये रंग बिरंगे पेपर एनिमल्स कितने क्यूट है, ओरिगेमी सीखकर मैं भी ये सब बना पाऊंगी। कौन करेगा इतनी मेहनत। उन्हें भी खुश करूंगा। इसमें सीखने को क्या है, मैं तो क्लास का टेबल बजाने में पहले से ही उस्ताद हूँ। वहाँ देखो स्टैम्प कलेक्टिंग क्लब भी है, चलो। मेरे नाना जी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे, पता है? वो और मैं एक गेम खेलते थे, हर स्टैम्प की फोटो से जुड़ी अपने आप कोई कहानी बना लेते थे। मैं तो वैसे में इस ईमेल का जमाना है, तो स्टैम्प कलेक्टिंग कैसे करेगा? ये तो बिल्कुल बोर है। अच्छा चार्ली, तो तुम बताओ तुम कौन सी हॉबी चुन रहे हो? ये एक्टिंग क्लब मेरे लिए परफेक्ट रहेगा, इतनी अच्छी एक्टिंग सीख लूंगा कि फिर जब झूठ बोलूंगा तो सबको मेरी एक्टिंग से लगेगा कि मैं सच्ची बोल रहा हूँ। बीमार था मैम। सब झूठ बोल रहे हो। छुट्टी क्यों मारी?
जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस जेवर की दुकान में कुछ ज्यादा ही जेवर हैं। तो अब इन जेवरों का मैं क्या करूंगा, जानने के लिए देखते रहिए खाजू आया आर्यनगर। नीचे और हाथों पर, भागने की कोशिश मत करना। ठीक है, खाजू भाग नहीं सकता मगर कूद तो सकता है। उफ, ये तो बहुत लंबी छलांगे ले रहा है। मैं अभी माइटी राजू की मदद से इसे ढूंढ निकालता हूँ। माइटी राजू, तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक चोर है खाजू, चोरी करके भागने की जगह लंबी छलांगे मारते हुए भाग रहा है, जैसे उसके जूतों में कोई स्प्रिंग लगा। मैं अभी आया कमिश्नर खन्ना। ये पुलिस की गाड़ी मेरे जूतों की तरह इन ऊंची दीवारों पर छलांग नहीं लगा सकती। मिस्टर खाजू, बस बंद करो अपना कूदना खुदकना, अब तुम बच्चे नहीं रहे। किसने मुझे बच्चा बुलाया? नमस्ते मिस्टर खाजू, हो गया आपका समाचार? समाचार के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। माजी राजू के पास आने से पहले और जल्दी कूदना पड़ेगा। अब मैं एक समाचार सुनाता हूँ। भाइयों और बहनों, खाजू आया आर्य नगर में। आपने देखा कि बेचारा खाजू अब खुदक नहीं सकता। और अब आप देखेंगे इस समाचार का आखिरी पड़ाव। देखते रहिए माइटी राजू आया आर्य नगर। बहुत आसान है मेरी माइटी स्विश से। बस करो, नहीं चाहिए ये जेवर, ले लो प्लीज माइटी राजू, मुझे छोड़ दो। हाँ हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा पुलिस के हवाले। अरे राजू, तुम कहाँ गायब हो गए थे? वो मैं कूदते कूदते थोड़ा दूर निकल गया था। अच्छा, चलो अब तुम्हें हमारे साथ कूदना है राजू। नहीं नहीं, बस आज के लिए बहुत कूदना हो गया गोपी।